बिहार की सियासत में तेज प्रताप को मिली नई सिद्धि, सुदर्शन चक्र से पस्त होंगे विरोधी। बांसुरी के बाद सुदर्शन चक्र लॉन्च, तेज प्रताप यादव के हाथों में कैसे आ गया सुदर्शन चक्र। तेज प्रताप यादव ने सबको घुमाया, बीजेपी को चुनौती देकर सुदर्शन चक्र नचाया। पटना में भगवान कृष्ण की लीला शुरू हो चुकी है। राजनीति में तो कई लीलाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन पटना का नजारा कुछ अलग ही हो चुका है। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव की उंगलियों पर अब सुदर्शन चक्र घूम रहा है। मतलब साफ है कि 2024 के चुनाव में तेज प्रताप यादव महाभारत लड़ने वाले हैं। तेज प्रताप यादव की उंगलियों में सुदर्शन चक्र कैसे आया और क्या ये बाबा बागेश्वर सरकार से भी ज्यादा शक्तिशाली चमत्कार है, ये सोच सोचकर विरोधी दल परेशान है, क्योंकि अब तेज प्रताप यादव के पास सुदर्शन चक्र आ चुका है। कभी भगवान कृष्ण तो कभी भगवान शिव, कभी मृगछाला तो कभी त्रिपुंडधारी के अवतार में दिखने वाले तेज प्रताप यादव अब नए अवतार में उतर चुके हैं। कभी खुद को कृष्ण का अवतार बताते हैं तो कभी खुद भगवान कृष्ण को सपने में देख लेते हैं। सब जगह चर्चा यही रहती है कि तेज प्रताप जो करते हैं वो टाइम पास है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सुदर्शन चक्र चला दे। कुछ ऐसा ही हुआ इस समय बिहार के पटना में, जब तेज प्रताप यादव ने अचानक सुदर्शन चक्र घुमा दिया। मौजूद लोग कंफ्यूज हो गए, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके मंत्री जी के पास भी इतनी शक्ति है जो भगवान कृष्ण के पास थी। यकीनन कोई भी देखेगा तो उसे पहली बार में तो बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि तेज प्रताप सुदर्शन चक्र घुमा सकते हैं। कल तक जो बांसुरी बजाते थे तो मथुरा में जाकर कृष्ण का अवतार बन जाते थे, वो मंत्री अब सुदर्शन चक्र भी घुमा लेंगे। ये माजरा थोड़ा अलग है, क्योंकि अब इसकी चर्चा बिहार में हो रही है कि मंत्री तेज प्रताप यादव ने वाकई में अपनी उंगलियों से चक्र को नचाया है। चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसा किसी मंत्री या आम आदमी तक ने नहीं किया है जो तेज प्रताप यादव कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव इन दिनों रॉकस्टार की तरह नजर आ रहे हैं। लगातार पार्कों का उद्घाटन कर रहे हैं, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य का संदेश दे रहे हैं, पेड़ पौधे लगाने के लिए लोगों को उत्साहित करते नजर आ रहे हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव खुद को पुजारी और सबसे बड़ा बाबा बताते हैं, लेकिन आज उन्होंने सुदर्शन चक्र दिखाया तो मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। दरअसल आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बड़े लाल यानी तेज प्रताप यादव वन और पर्यावरण मंत्री होने के नाते इन दिनों राजधानी पटना में पार्कों के उद्घाटन में व्यस्त हैं। राजेंद्र नागरिक कांग्रेस पार्क 2 और राजेंद्र नगर में ही मौजूद E11 पार्क में पेड़ पौधे गए और उसका उद्घाटन किया। इसके बाद वो पास के ही मैकडोवल पार्क चले गए, जहां एक्सरसाइज के लिए कुछ मशीन लगी हुई हैं। इन मशीनों के जरिए पार्क में आने वाले लोग हल्की फुल्की वर्जिश कर सकते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव ने यहां लगी एक मशीन के गोल चक्र को वाले हैंडल को घुमाते हुए उसे सुदर्शन चक्र बताया। तेज प्रताप ने इस गोल चक्र को हाथ से घुमाते हुए कहा, यह चक्र है, चक्र सुदर्शन चक्र। यही नहीं, दो दिन पहले तेज प्रताप यादव कांग्रेस मैदान फेस 2 गए थे। यहां पर उन्होंने बीजेपी को एक बार फिर से श्राप दिया था। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था, बीजेपी महागठबंधन का घोंसला उजाड़ रही है, 2024 में बीजेपी का घोंसला भी उजड़ेगा। वहीं इससे दो दिन पहले तेज प्रताप यादव ने बीजेपी से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए खुद को बड़ा बाबा बताया था। उन्होंने कहा था कि सबसे बड़े पुजारी हैं और ये भविष्यवाणी करते हैं कि 2024 में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा।